दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस, जो कि इंडिया का नंबर वन प्रीमियम सेगमेंट वाला ब्रांड है और इसके जो मार्केट शेयर है वो एप्पल और सैमसंग से भी ज़्यादा है। वन प्लस अपने बहुत सारे फ़ोन्स को लॉन्च करता है एक साल में। जब ये कंपनी शुरू में आई थी तब अपने साल के अंदर एक या दो फ़ोन लॉन्च करती थी, उसके बाद चार, और अब ये छः फ़ोन्स तक का प्लान कर रहे हैं ईयर 2020 के अंदर। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि वन प्लस 8 प्रो की स्पेसिफिकेशन क्या है, किस प्राइस रेंज तक ये आ सकता है और आपको कब तक देखने को मिलेगा। इस बार काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू बाकी जितने साल में इनके वन प्लस के जो प्रो वेरिएंट फोन लॉन्च होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के श्रेष्ठ कमाल एपिसोड के अंदर और आप देख रहे हैं चेक इन। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वन प्लस हर साल फ्लैगशिप लेवल के फोन ही लॉन्च करता है। इनफैक्ट एक लेवल था जब ये फ्लैगशिप किलर फोन लॉन्च करते थे, लेकिन आज की डेट के अंदर वन प्लस सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप लेवल के फोन ही लॉन्च करता है। इन्होंने प्राइस भी जो स्टार्टिंग करी थी 20,000 रुपए के आसपास करी थी, आज ये 50,000-60,000 रुपए तक पहुंच चुके हैं और काफी अच्छी खासी वैल्यू भी देते हैं अपने कस्टमर को। दोस्तों वन प्लस ने पूरी तैयारी कर ली है कि सैमसंग और मी को एकदम बहुत तगड़ी टक्कर देनी है इंडिया के अंदर, क्योंकि सैमसंग अपना S11 लॉन्च करने वाला है और शाओमी की तरफ से मी नोट 10 आने वाला है, जो कि बहुत ही तगड़े फोन है और बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाले हैं। जनरली दोस्तों वन प्लस अपना जो प्रो वर्जन है उसको मिड जुलाई या मई के आसपास लॉन्च करता है, लेकिन इस बार उन्होंने Q1 2020 के अंदर लॉन्च करने का पूरा मन बना लिया है और यहाँ आपको जो वन प्लस 8 प्रो देखने को मिलेगा, वन प्लस 8 मिलेगा, वन प्लस 8 लाइट मिलेगा, ये सारे फोन आपको फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली वन प्लस 8 प्रो के बारे में, तो यहां पे आपको 12 GB की रैम, स्नैपड्रैगन 865 और इसका जो गीकबेंच का स्कोर है अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। और दोस्तों यहीं अगर आप स्क्रीन की बात करते हैं तो 6.7 इंचेस की एमोलेड क्वाड एचडी प्लस स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। साथ ही अगर स्क्रीन का अगर रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो अभी वन प्लस ने 90 हर्ट्ज वाले रिफ्रेश रेट वाले फोन लॉन्च किए थे, यहां आपको 120 हर्ट्ज तो गारंटीड मिल जाएगी और हो सकता है जो आपका जो टी प्रो वर्जन है उसके अंदर आपको 240 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही कमाल की बात है और गेमर्स के लिए तो एकदम मतलब क्या बताऊं, मतलब खुशी मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप गेमर हैं और आपको कहा जाए 120 हर्ट्ज या 240 हर्ट्ज तो मतलब दिल खुश हो जाता है यार, मतलब एकदम मक्खन की तरह फोन चलता है आपका। और दोस्तों यार कट लगा के बताना पड़ रहा है क्योंकि मैं कैमरास के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत सारा डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है नहीं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट के अंदर एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक आपकी काफ़ी तगड़ी वाली बात है, एकदम प्रीमियम वाला फीचर आ गया है। और आपको बैक के अंदर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है और थोड़ा बहुत अगर आप एक्सपेक्ट करें तो हो सकता है कि शायद जो प्रो टी वाला वर्जन है उसके अंदर आपको 5-5 आंखें देखने को मिल सकती है और बाकी तो आने के बाद ही पता चलेगा यार। और दोस्तों जब आप इसको कंपेयर करते हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स से तो को बहुत मार्जिनली ये थोड़ा सा पीछे रहता है आपके मल्टी कोर प्रोसेसिंग के अंदर। और दोस्तों ये जो गीक बेंच स्कोर है ये वन प्लस का जो पहला वाला वर्जन है सॉफ्टवेयर उसकी वजह से है, अगर थोड़ा बहुत एक दो अपडेट्स के बाद ये स्कोर्स बेटर हो सकते हैं। और दोस्तों अगर हम चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर 4 या 5 हज़ार mAh की बैटरी की आप एक्सपेक्टेशन आराम से कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है बहुत ज़्यादा है तो बैटरी काफ़ी चूसेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप 4 से या 5 हज़ार mAh के आसपास बैटरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही 50 W वाली सुपर रैप चार्ज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 50 W, मतलब यार कुछ नहीं चाहिए बंदे को इसके अलावा, मतलब जो बंदा एक एंड्रॉयड के अंदर एक्सपेक्ट करता है सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वो ये वाला फ़ोन आपको देगा। और मतलब अगर सही रेट के अंदर ये लॉन्च हो जाता है तो मतलब कहना ही क्या, वन प्लस 8, वन प्लस 8 प्रो और वन प्लस 8 लाइट आपको Q1 के अंदर देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया या आप कौन सा लेने वाले हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक यार मेरा एक फ्रेंड है डेवलपर बॉस, उसका चैनल के साथ कुछ सीन हो गया था तो यार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी तरफ से कि उसको थोड़ा सपोर्ट करो, उसका चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दो यार, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, जल्दी से यार 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर के ओपनिंग में बहुत ही बड़ा गिव अवे लाने जा रहा हूँ, मतलब काफ़ी स्पेशल गिव अवे रहेगा, बहुत बड़ा तो आप नहीं कह सकते लेकिन मेरे लिमिट के हिसाब से काफ़ी बड़ा होगा और काफ़ी दिल खोल के मैं देने वाला हूँ, बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तो वीडियो को फैला दो और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स पहुँचा दो मेरे को।